व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं मास्टर क्राफ्ट। तो गाइस, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने अपना ये हाउस बनाया था, न्यू हाउस, सॉरी गाइस, अब इसे हाउस नहीं कहेंगे, न्यू हाउस कहेंगे गाइस। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग अपने इस एक और फ्लोर को एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग चलते हैं। गाइस जब तक मैं जा रहा हूँ, अब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर से दबा दें, इसलिए आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस ये आ चुके हैं आप लोग अपने टॉप फ्लोर पर। ये है गाइस अपना एक प्यारा सा घर। तो गाइस पहले मैं इसका सारा मटेरियल ले आता हूँ, फिर ऊपर आता हूँ। इतना मटेरियल ले आया हूँ नीचे से कि पूरी इन्वेंट्री फुल हो गई है गाइस। मैंने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया है, अभी नहीं बहुत पहले किया था। तो गाइस चलिए आप लोग अपने फोर्थ फ्लोर का काम स्टार्ट करते हैं। ओ शिट, अपने पास तो वुड है ही नहीं। अरे यार, मुझे ये सबसे बेकार लगता है। अरे यार, मैं कब इसमें प्रो बनूंगा गाइस। मुझे ओक वुड तोड़ के लानी होगी, तो पहले मुझे कम से कम 2 स्टैक ओक वुड चाहिए, तो पहले मैं उन्हें तोड़ लाता हूँ। तो गाइस लगभग मैंने 1.5 स्टैक के बराबर ओक वुड कलेक्ट कर लिया है, और मैं जिस जगह पर तोड़ रहा हूँ वो जगह मेरे घर से थोड़ी दूर है, पर ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। चलिए तो फिर मैं 2 स्टैक कंप्लीट ही कर लेता हूँ। तो गाइस पूरी 2 स्टैक वुड कंप्लीटेड हो चुकी है, तो मैं घर पर जा रहा हूँ गाइस। अब मैं ये सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि इतनी दूर दूर तक यूँ वुड तोड़ने जाना पड़ता है, इसलिए आप लोग एक अलग से ही एरिया कर लेंगे वुड तोड़ने के लिए। मतलब उसमें वो कूड इतने में लगेगा, इतने में डार्क वो कूड में गाइस। तो ये चलिए गाइस, मैं ऊपर पहुँच के मिलता हूँ। स्ट्रक्चर फिर से कंप्लीट करते हैं। चलिए गाइस, गाइस अब थोड़ा अंदाज़ा सा हो गया है कि कितना कब वुड चाहिए, क्योंकि 3 फ्लोर ऐसे ही बना चुका हूँ ना, इसलिए गाइस मेरा प्लान कुछ ऐसा है, जब तक ये 120 टच नहीं कर जाएगा, जब तक मैं फ्लोर्स बनाते ही रहूँगा। तो गाइस पहले मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने यानी कि अपने जब स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहा था, तब हो चुकी थी नाइट, इसलिए मैं चला गया था नीचे। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ ऊपर फिर से दोबारा से। और गाइस इस बार मैंने बालकनी का भी पहले ही बना कर रख लिया है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जैसा ये यहाँ पर कलर है ना, क्यूब मतलब क्या कहते हैं चेस जैसा, वैसे ही इस बार मैं दीवारों पर करूँगा। तो चलिए गाइस पहले मैं मिक्सचर देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे, ये और ओकूड का एक बार चेक करता हूँ। ऑफकोर्स ये अच्छा लगेगा, यस गाइस ये अच्छा लग रहा है, मतलब मैं सही था, इसलिए मैं तीनों साइड कंप्लीटेड करके मिलता हूँ। तो गाइस तीनों साइड से हो चुकी है कंप्लीटेड वॉल, ये देखिए। अब बारी है यहाँ की और बालकनी की। तो गाइस पहले मैं बालकनी के लिए डिसाइड कर लेता हूँ। गाइस बालकनी के लिए कुछ यूनिक, ये क्या यूनिक है, पर अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे नहीं सबको अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पर तो टॉर्च लगा दूंगा, गाइस देखने में बहुत अच्छा लगेगा अपना हाउस। मैं तो ये सोच रहा हूँ बालकनी भी कुछ ऐसे ही करूँगा क्या, यही करूँगा गाइस। तो फटाफट मैं ये भी इधर साइड भी कर देता हूँ। ये हो चुका है गाइस इधर साइड भी। तो गाइस
अब बारी अपनी बालकनी की, तो पहले मैं अपनी बालकनी को कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। उस टाइम मैं नीचे आकर सो गया था, अब गाइस मैं दोबारा से ऊपर जा रहा हूँ। गाइस आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो गाइस कमेंट करके बताइए कि मुझे यहाँ पर इस वाले फ्लोर पे क्या करना चाहिए, और ये भी कमेंट करके बताइए मैं इस वाले फ्लोर पे क्या करूँ। पहले तो यहाँ का गेट बनाता हूँ एक, तो गाइस पहले मैं गेट का डिज़ाइन कम्प्लीटेड कर लेता तो फिर आपको दिखाऊँगा। तो गाइस गेट का डिज़ाइन मैंने कुछ ऐसा बनाया है, मैंने नीचे से लेकर अभी तक के जितने भी फ्लोर बनाए हैं उनमें सब गेटों के डिज़ाइन अलग ही हैं। अब बारी आती है ऊपर छत डालने की, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार पूरी प्ले नहीं करूँगा, कुछ भी चेस जैसा नहीं करूँगा, इसलिए डार्क ओक वुड निकालो बहुत सारी, कम से कम 4 स्टैक लगेगी डार्क ओक वुड। अरे यार ये क्या हो गया गाइस, मेरी आयरन की एक्स टूट चुकी है, इसलिए मैंने वुड की बना ली है, वुडन एक्स। चलो स्टार्ट हो जाते हैं। गाइस अब सीढ़ी तो मैं बाद में बनाता रहूँगा गाइस, पर इस बार आपको याद से नीचे वाले फ्लोर में और इस वाले फ्लोर में क्या करना है आपको ज़रूर से बताना है, जब तक मैं इस छत को कम्प्लीटेड करता हूँ। गाइस अंदर की छत तो पूरी कम्प्लीटेड हो चुकी है, अब मैं बाहर की करने आ चुका हूँ। तो गाइस बाहर की भी कम्प्लीट कर देता हूँ। इस घर का 4th फ्लोर भी हो चुका है कम्प्लीटेड। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए गुड बाय।